सर्वशक्ति हैं। तो 8 × 16 हाथ में 16 हथियार किसको मारने के लिए रखी है? जो खुद बलवान है, जो खुद बाहुबली है, जो खुद सर्वशक्ति है, जिसके सामने जी जी किसी का कोई मतलब नहीं है जी, तो हथियार किसको मारने के लिए लिए? इसका मतलब कि दुर्गा से भी बहादुर कोई था जी। ठीक है सर। और जो व्यक्ति हथियार लेकर के किसी को मारता है जी, तो उसे हिंसक कहा जाता है जी जी। आया तो हथियार रखता है बचने के लिए तो उसे डरपोक कहा जाता है जी। ठीक है तो दुर्गा सर्वशक्ति हो नहीं सकती। रहा सवाल काल्पनिक का जी, तो दुर्गा को काल्पनिक इसलिए कहा गया कि किसी भी बेटी को तीन हाथ यदा कदा पैदा होते देखा गया है जी। तो तीन हाथ वो भी पूरा नहीं होता है, एक छोटा सा कहीं लगा होगा, लेकिन दुर्गा को 8 हाथ वाली मैया को किसने पैदा किया? मैं जो सवाल आप किया, मैंने बड़ा अध्ययन किया इस पर जी जी। पहले देखा कि दुर्गा की माँ कौन है जी, लगा खोजने, पता नहीं चला। फिर लगा खोजने कि इसका बाप कौन है, उसका भी पता नहीं चला। महिषासुर को इन्होंने मारा क्यों? जब उस विषय पर मैं चला जी, तब मुझे पता चला कि कहानी कहीं और है जी, और इतिहास कुछ और लिखा गया है जी जी। मैसूर के राजा थे जी महिषासुर, जो ब्राह्मणों के पाखंड को कभी न मानते थे न अपने राज में मानने देते थे। सर आपकी तो, बात सर आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जितने भी राक्षस रहे हैं शायद आप उनको मानते हैं। अरे यार, राक्षस वो हमारे भाई हैं, हम भी राक्षस हैं, हम लोग भी राक्षस कुल से हैं, हम लोग असुर कुल से, हम लोग दैता, हम ही लोग दैत हैं। दैत राक्षस का मतलब, पहले बात सुनिए, दैत राक्षस का मतलब कि जो पिछड़े समाज के लोग थे जी। महिषासुर को महाराक्षस कहा गया जी जी, जो ब्राह्मणों को न माने, जैसे मैं हूँ जी। अभी मेरे मरने के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा जी, ये बाबा साहब का संविधान हट जाएगा जी, मनोस्मृति आएगी जी, तो उस मनोस्मृति में एक चैप्टर बनेगा जी जी, कि राजकुमार नाम का एक महायसूर जी जी, जो लोगों को तंग करता था, लोगों को तंग नहीं करता था जी जी, ब्राह्मण के पाखंडों के विरुद्ध था। सेम ही कहानी आप समझ लीजिए, महाराजा महिषासुर पिछड़े समाज के थे और बड़े बहादुर थे, बड़े प्रतापी थे, उनके सामने किसी का कुछ चला नहीं जी। तो इन लोगों ने कहा कि इसको कैसे खत्म किया जाए, तो दुर्गा नाम की एक लड़की को जी, इन्होंने जिम्मेदारी दिया जी जी, कि तुम्हें वहां जाना है और उसको अपने जाल में फंसाना है जी, और जाल में फंसा के उसका वध करना है जी, और वध करके जी जब तुम लौटोगी तो पूरी दुनिया में तुम्हें एक देवी की हैसियत में हम तुम्हें खड़ा करेंगे, तुम पूज्यमान तुम्हें हम बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये सारे दैत असुर राक्षस पिछड़े समाज के जो भारत के मूल निवासी हैं ये मारे नहीं जाएंगे तो हमारी विचारधारा जिंदा नहीं रहेगी। तब दुर्गा कहां से चली? कलकत्ता से चली। अब किस गली से चली ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग दुर्गा जी के बड़े आस्थावान हैं सर। यहाँ तक सुनिए, यहाँ तक कह दिए कि दुर्गा अहिरन के दहिने बसैली, समझे आप कि नहीं? दुर्गा अहिरन के दहिने ना बसैली, यादवों को ध्वस्त करने वाली और यादवों को खत्म करने वाली दुर्गा नाम की लड़की थी जो गई वहां 9 दिन अथक प्रयास के बाद। राजा महिषासुर का उन्होंने वध किया, वध करके भगी और भगने के बाद तब उसे याद शक्ति महाभवानी बनाया गया। मैं जानता हूं कि दुर्गा सप्तशती नाम की जो पुस्तक लिखी है जी,
का दुर्गा का बाबू जी लिख ले वहाँ का होके। सर आप तो ऐसे बता रहे जैसे लगता है कि उसमें आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। नहीं प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूँ, इतिहास खोजा हूँ, इतिहास खोज के बताया हूँ। और नहीं जिसे डिबेट करना है, जिसे बात करना है, इस पर आके आमने सामने बात करे मुझसे। तो सर आप देवी देवताओं को भी नहीं मानते हैं तो सृष्टि किसने बनाई है, आप इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं? अगर देवी देवताओं ने सृष्टि नहीं बनाई तो सृष्टि बनाया किसने? सृष्टि किसने बनाया? हवा किसने बनाया? सूरज किसने बनाया? धरती किसने बनाया? मैं एक बार पढ़ा था धरती के बारे में, जो सवाल किए हैं जी बड़ा अच्छा है आप कहे हैं जी। तो धरती के बारे में मैं पढ़ा था तो पता चला कि धरती को ब्रह्मा जी ने बनाया जी। तो कैसे बनाया? अपने जांग पर बनाया। अब यही चीज उसमें नहीं लिखा था कि अपनी जांग पर धरती बनाने के लिए जब जले जल था तो ब्रह्मा जी मिट्टी कहां से लाए? ठीक जी, है जी जी जी। और जब जांग पर बनाए ब्रह्मा जी, जले जल था जी, तो ब्रह्मा जी बैठे कहां थे? ये पहले एक दो तीन आपके सवाल में, दो तीन सवाल मेरा है जी, कि जैसे रामायण में लिखा गया है जी, कि पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने अपने पैर पर बनाया जी, और पैर पर बनाने के बाद ब्रह्मा जी सो गए जी जी। अब ब्रह्मा जी बैठे कहां थे? तरकुल पर बैठे थे कि पेड़ पर बैठे थे कि नीम की गांच पर बैठे थे कि बरगद के पुलुई पर बैठ करके पृथ्वी को बनाए? और वही बनाते बनाते सो गए, और सो गए बस एक राक्षस था जी, वो आया वह पृथ्वी लेके चला भाग जी। अब भाग के चला गया पाताल लोक में जी। तब ब्रह्मा की जब नींद खुली, वो अंतर ध्यान जब देखे आत्मा से अपने, तो पता चला कि ये तो लेके भाग रहा है पाताल लोक में। शायद सर वो राक्षस जो था वो राजकुमार यादव जैसा ही रहा होगा। हाँ मेरे जैसा ही था, क्योंकि आप लेके भाग पाए, क्योंकि आप अभी अभी बोले थे व्यक्ति नहीं रहता तो पृथ्वी कहां लेके भाग पाता। तब ब्रह्मा जी उस समय क्या रूप धारण किए जानते हैं? वेद में लिखा हुआ है सुअर का रूप धारण किए जी, और सुअर का रूप धारण करके उसके पीछे गए जी, और जाके वहां उस राक्षस को मारे, और मार के फिर अपने थूथुना पर पृथ्वी के लोग के बाहर आए। अब कहां रखे? पानी पर उसको रखे। लेकिन इस देश में ये कहानी तब गढ़ी गई जब आर देश से यहां ब्राह्मण आया जी। उसके पहले ब्राह्मण यहां आया तो बताया कि पृथ्वी को ब्रह्मा बनाया, लेकिन जब वो खुद आया जी तो पानी से निकल के आया कि कैसे आया, वो भी पृथ्वी पर ही आया जी जी। ये सारी चीज सृष्टि जो कहें एक दूसरी विषय है, सृष्टि में केवल भारत नहीं है, सृष्टि में 195 देश हैं जी। जापान का नाम सुने हैं? नहीं सर, सृष्टि मैंने पूछा, सृष्टि में तो पूरा विश्व आता है। मैं पूछ रहा हूँ कि जापान का नाम सुने ना, पूरे विश्व में वो भी है जी। हाँ सुने। जापान की आबादी 7 करोड़ है जी, लेकिन राफेल भारत जापान से खरीदता है। भारत की आबादी कितना जानते हैं? लगभग 130 करोड़। सर नेता यहाँ भ्रष्ट है। अब वो बात अलग है, अब कौन भ्रष्ट है मैं क्यों कहूँ? क्योंकि आपने मैं ये बात, क्योंकि सर आपने एक वीडियो आपके देखा था उसमें आप स्पष्ट रूप से कहा था कि नेता यहाँ के भ्रष्ट है, तभी हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। बड़ा पहले गीत गाया था, तब का नेता देशवा के ऊपर कुर्बान भइले, अब का नेता 12 आना कुल बेईमान भइले, तब का नेता जात धर्म का दंगा नहीं करावे, अब का नेता फूक के मरई आपन महल बनावे, आवे उद्घाटन में जैसे वो भगवान एला। नेताओं की बात मत करिए, आज भारत हमारा कहीं टूट रहा है तो इस स्वार्थी नेताओं की वजह से। विषय जहां थी वहां पहले आप देख लीजिए। सर अपने आप को आप राक्षस कह रहे हैं। मैं राक्षस ही हूं। सर सुनने में आता है राक्षस जो था वो मदिरा और मांस का सेवन करता था, क्या आप भी करते हैं? बिल्कुल करता हूं, क्यों नहीं करूं? जब राक्षस हूं, जब समुद्र का मंथन हुआ तो वहां से जो दही मलाई आई उसको पंडित जी लोग खाए, और जो सूरा मदिरा निकला हम राक्षसों को मिला, तो जो मिला वही ना हम लोग खाएंगे। सर जब आप शराब दारू वगैरह सब पीते हैं तो अपने समाज को जागृत कैसे करेंगे?
जब आप शराब पीते हैं, हमारा पूरा समाज पीता है, केवल हम थोड़ा पीते हैं। पूरा समाज हमारा पी करके मगन है, हमारे समाज को इससे मतलब नहीं है। नहीं सर, हमारा समाज मस्त समाज है। देखिए सर, पीता है, खाता है, सोता है, रहता है। सर आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं, हाँ, तो आपके मुख से बात शोभनी नहीं है। शोभनी दे चाहे ना दे, भैया हम झूठ काहे खाती बोले, हम झूठ क्यों बोले? यानी आप भी शराब पीते हैं? देखिए हमारे जितने सुनने वाले लोग हैं वो बेचारे सब जानते हैं और पूरा समाज भी जानता है। अभी एक फंडा चला था पीछे कि जहाँ SC ST